एक तो ये बच्चे आजकल मेरे साथ बोलते नहीं है यार, नाराज हो गए, बिल्कुल पक्का पक्का मुंह फेर लिया इन सबने। अच्छा बच्चों, एक और बात आपके लिए खुशखबरी की बात ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का टेस्ट होगा बच्चों, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यानी डिफिनीशन, उसके बाद कौन सी चीज है केमिस्ट्री की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफिनीशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, और फिर जो है मेरे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स की बेस पर कौन सी चीज, वो जो न्यूमेरिकल है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और उसी बेस पर वो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने क्वेश्चन, फिर लॉगरिथम के जो है ना वो क्वेश्चन, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद जो हम लोग आज कल पढ़ेंगे, कल तक जो पढ़ेंगे उसके टेस्ट होंगे, समझ में आ रही है बात। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। कल हम लोगों ने लॉगरिथम पढ़ा था, लॉगरिथम के मैंने आपको तीन फॉर्मूले लिखे, हाँ भाई बच्चों अब आवाज आ रही है, ठीक आ रही है, तो आवाज आ रही है, ठीक आ रही है। आप तो नहीं है ना? अच्छा, लो हमने ये पढ़ा था कि ए मल्टीप्लाई बी, आप लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा, ये था हमारे पास लॉग ए डिवाइड बाय बी, मेरे बच्चों किसके इक्वल था, लॉग ए माइनस लॉग बी। बच्चों उसके बाद हमारे पास था क्या था, फार्मूला था लॉग ए पावर एन इक्वल था मेरे को एन लॉग ए। बच्चों हम लोगों ने पहले तो मैंने आपको कुछ छोटे से न्यूमेरिकल बताए थे, वो हम लोगों ने कर लिए थे। अच्छा, यहाँ लिखे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनके लॉग, एक नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और 8 के बाद 9 भी लिखना था। चलो आगे यहाँ लिख देते हैं 9। ठीक है, इसका लॉग होता है 0.3, बी का लॉग होता है 0.5, इसका 4 का लॉग होता है 0.6, 5 का होता है 0.7, और फिर इसका होता है 0.75,
इसको होता है 0.8 और फिर होता है 0.85। हैंड फ्री दे बेटा, जरा देखें 0.6 का लॉग क्या है, जरा देखें कैलकुलेटर पे। आई थिंक 6 का लॉग 8 है। इसका आ जाएगा 0.9 और इसका आ जाएगा 0.95। ये बच्चों लॉग है, जीरो का लॉग जो होता है वो, सॉरी, वन का जो लॉग होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप जरा देखें, सही है। अच्छा आप जरा देखें, बात ये है कि अगर मेरे पास ये एक वैल्यू आ जाती है, इसको जरा देखें, लॉग 20 की पावर 5, सही है। अब ये मेरे पास आ गया, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करूंगा, ये 5 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, तीसरे वाला लॉग 20, सही है। मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, मेरे पास आ जाएगा लॉग 10 मल्टीप्लाई टू 5 लॉग। आप ये 5 दोनों के लॉग का अलग अलग मैं लिख रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई, आप ये वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला लॉग 2, ये आ जाएगा 5। मेरे बच्चों लॉग 10 कितना होता है, 1। लॉग 10 कितना होता है, 1। बात ये कि 10 को तो मैं पावर लिखता हूँ 1 एक्सपोनेंट 1 आ जाएगा, तो ये पावर होती है वो क्या होता है, लॉग होता है, प्लस 2 का लॉग कितना है, 0.3। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1.3, जब इनको प्लस करेंगे 1.3, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर नहीं आई तो बताएं, मैं एक और एग्जांपल से अपने बच्चों को ये समझा देता हूँ, क्या ख्याल है? किससे लॉग निकाल लिया था आपने? नहीं, आपने एक चीज के साथ मल्टीप्लाई किया। हाँ भाई बच्चों, समझ में आया, नहीं आया किसी बच्चे ने अगर हैंड रेस किया सर, अगर आप कोई मसला है तो हैंड रेस करें, ये चैट के जरिए बताएं। बेटा मैं ये रिपीट नहीं करा, इसके साथ अपने बच्चों को एक और समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो भी समझ में आ जाएगा। आप जरा देखें, देखें मेरे बच्चों, लॉग 25 की पावर 4, सही है। अब पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पावर है तो पावर वाला, ये तीसरे वाला। पावर क्या हो जाती है, शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 25, क्या हो जाएगा, 4 लॉग 25 का क्या मतलब है, 100 डिवाइडेड बाय 4। आप जरा देखिए क्या हो जाएगा, 4 बच्चों लॉग 100, अब ये डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला, माइनस लॉग कौन सा आ जाएगा, 4। अब क्या हो जाएगा, 4 लॉग 100 कितना हो जाएगा, 100 के साथ कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो लॉग 100 क्या हो जाएगा, 2 माइनस लॉग 4, मैंने वहां पर आपको लिखवा कर दिया कितना लिखा है, 0.6। तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 4 और 2 माइनस 0.6 क्या आएगा, 1.4। 1.4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 का आता है ना, टेस्ट अनाउंस कर दिया, फिर कर दिया,
फोर फोर द 16, फिर उसके बाद पॉइंट है 4 1 4 और एक 5.6। जी बच्चों अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, जरा सर देखें बच्चे ने किसी ने अगर कोई चैट कर दिया या हैंड कर दिया कुछ पूछो तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इनको भेजें और मैं फिर जो है ना वो स्क्रीनशॉट आप कैसे लेते हैं विंडो। हाँ ठीक है, ये हो गया। आगे फिर कैसे करेंगे, आगे सेंड कैसे करेंगे, क्या लिखें? बच्चों अब आपके स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं, किसी बच्चे ने अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेस करे, नहीं तो हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। और बच्चों सब ये कुछ खबरी सुन लें, इंशाल्लाह अगले वीक के जो पहला होगा हमारा पीर वाले दिन आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाएगा। कब ले लिया जाएगा? पीर के दिन आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाएगा इंशाल्लाह। समझ में आ रही है बात? कल तक जितना पढ़ लेंगे वहां तक आप लोगों का टेस्ट होगा। ये न्यूमेरिकल भी आएंगे, ये वाले नहीं किसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है सर? आपको आपको मेथड पैटर्न समझा देंगे कैसे करते हैं। हाँ बच्चों ठीक है, कोई मसला नहीं है सर, देखें कितने चैट में कहा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना वो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। इसके बाद जो चीज हम लोगों ने पढ़नी है वो है एटॉमिक मास। जी मेरे बच्चों इसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं। और इसको ग्राम एटम भी कहते हैं, सही है जी बच्चों? बात यह है कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखते हैं कि मास अलग है, वेट अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में हम मास और वेट को एक ही मीनिंग में लेते हैं। समझ में आ रही है बात? मास और वेट में में हम कोई फर्क नहीं करते। अच्छा अब एटॉमिक मास, मास मतलब तो पता है ना, वेट मतलब तो पता है आप लोगों को, वजन, वजन कैसे करते हैं? अगर मैं आप लोगों में से पूछूं कि बेटा आप लोगों का वजन कितना है तो आप क्या कहेंगे? 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 6 इंच? कितना है वजन आप लोगों का, 5 फुट 4 इंच या 5 फुट 6 इंच? हाँ बात समझ में आई है मेरे बच्चों? वजन हम लोग इंच में नहीं नापते, हम कहते हैं जी 40 किलोग्राम है या 50 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है, जितना भी है, ठीक है। वजन कैसे मेजर कैसे करते हैं, वजन की पैमाइश कैसे करते हैं? कभी आम वो मैं ये तो नहीं कहूँगा, देखे हैं रेडी पे बहुत बड़े होते हैं, मतलब जब आप लोग आम खरीदते हैं आप रेडी वाले को बोलते हैं या ठेले वाले को कि भाई हमें 5 किलोग्राम आम दे दें, तो वो किस तरीके से आपको 5 किलोग्राम आम देता है मेरे बच्चों? उसके पास थैली होती है 5 किलोग्राम वाली और वो थैली भर के दे देते हैं ना आप लोगों को, तो 5 किलोग्राम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, उसके पास तराजू होता है, वो तराजू के एक पलड़े पर क्या कर रहा है, आम रखता है और पता है दूसरे पलड़े पर क्या करता है मेरे बच्चों? ऐसी बात, दूसरे पलड़े पर वो बाट रखता है, वो औसान रखता है, वेट रखता है, ठीक है जी। 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम वेट रखता है।
क्या चीज का वजन करना होता है, जैसे वहां वजन करना है तो उसको हम लोग ने कंपेयर किया किस और चीज के वजन के साथ, वो किसी का वजन था, वेट का और धान का, उस आले का वजन था जो जिससे हम लोग तोल रहे हैं। वो जो बाट होते हैं वो स्टैंडर्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, यानी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसका दूसरी चीज से तल्लुक ना हो, बल्कि कौन सी क्वांटिटी है, ये कंपैरेटिव क्वांटिटी है जिसको हम लोग दूसरी चीज के साथ क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, किसी और चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कहलाती है। देखें आम का या चीनी का या किसी बड़ी चीज का वजन करना हो, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड क्या होता है, वो किलो वाले पत्थर होते हैं, लेकिन छोटा सा होता है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड आया गया है वो किलो वाले पत्थर नहीं है, उसके लिए कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड बनाया गया है। कार्बन किस्म की होती है, एक कार्बन होती है कार्बन 12, एक कार्बन होती है कार्बन 13, एक होती है कार्बन 14। ये दोनों बहुत थोड़ी क्वांटिटी में भी होती हैं और स्टेबल भी नहीं होती, रेडियोएक्टिव वगैरह होती हैं, टूटती रहती हैं। तो बच्चों अगर हम लोग स्टैंडर्ड बनाना है तो स्टैंडर्ड में दो चीजें रखा जाता है, पहली चीज वो स्टेबल हो, क्या मतलब वो टूटे फूटे नहीं, ठीक है ना, ये जो बाट जो पत्थर होते हैं जैसे वो वजन कर रहे होते हैं आम का या चीनी का, तो वो आपको पता है मेटल के एलॉय से बने होते हैं, अगर वो मिट्टी के बने हुए होते, ब्लॉक के ईंट के बने हुए होते तो क्या होता, उनका वजन हमेशा यहाँ पर रहता नहीं, लगता मतलब नहीं होते, वो टूटते रहते हैं, उनका वजन कम होता रहता। दूसरा ऐसी चीज का वजन चाहिए जो ज्यादा अवेलेबल हो और आसानी से अवेलेबल हो, क्या कर रहे हैं जो पत्थर है वजन करते हैं वो सोने के होते तो क्या होगा, गोल्ड के, हाँ बाहर बंदा नहीं कर सकता अपने पास, और हो सकता है आम के बजाय कोई पत्थर भी उठा कर ले जाता, तो वो एक मेटल नहीं बना के। तो मेरे बच्चों देखेंगे कार्बन 12 की आपको भी है, इसके एटम स्टेबल होता है, समझ में आ रही है बात, इसका अगर देखें इसका एटम स्टेबल होता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक वेट, कार्बन 12 इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड पर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के लिए स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाता है किसको, तो कार्बन 12 को, समझ में आ रही है बात। अच्छा कार्बन 12 का जो वेट होता है, एक एटम का जो वेट होता है उसको एक यूनिट नहीं कंसिडर किया जाता, जैसे हम कहते हैं एक किलोग्राम एक यूनिट है, मुझे ये बताएं कि आपके पास 5 किलोग्राम वाला पत्थर हो, कितने किलोग्राम वाला हो, 5 किलोग्राम वाला वो वजन हो, और आपने चीनी उसे तोल दी हो 1 किलोग्राम, चीनी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है लेकिन आप उसमें चीनी निकालनी कितनी, 1 किलोग्राम, तो क्या वो 5 किलोग्राम वाले पत्थर से आप निकाल सकेंगे, तो ये हो गया है किलोग्राम होगी 5 किलोग्राम, उस 5 किलोग्राम चीनी के आपने 5 बराबर बराबर हिस्से निकाले हैं, कितने हिस्से निकाले हैं, 5 बराबर बराबर हिस्से निकाले हैं, तो एक हिस्सा कितना होगा, क्यों भाई, एक हिस्सा 1 किलोग्राम होगा मेरे बच्चों,
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, थोड़ा सा बात भी उलझी हुई है। इसी तरीके से कार्बन का एक एटम होता है उसका वजन एक यूनिट नहीं होता, उसका वजन होता है 12 यूनिट। कितने यूनिट? वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना है मेरे बच्चों? 12 यूनिट। इन यूनिट क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो वन यूनिट कितना होगा? एक एटम के वजन के आप कितने हिस्से करते हैं? 12 हिस्से। तो 12 हिस्से में से जो एक हिस्सा होगा यानी वन जो यूनिट होगा, वन ए एम यू वन एटॉमिक मास यूनिट, वो मेरे बच्चों क्या होगा? कार्बन 12 के एक एटम के वजन के 12 हिस्सा, यानी 12 हिस्से का तो एक एटम 12 हिस्सा कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1/12 ऑफ द एटॉमिक वेट वन एटम ऑफ C12। ये एक यूनिट है और इस एक यूनिट से किसी भी एटम को कंपेयर कर लें, उसका जितना वजन बनेगा वो क्या कहलाएगा? उस एटम का वजन कहलाएगा। कुछ समझ में आ रही है बात? जरा फिर सुन लें कि मेरे बच्चों, अगर आप कार्बन 12 का वजन करते हैं तो वो एक यूनिट नहीं कहलाएगा, कितने यूनिट कहलाएगा? 12 यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। और एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा? वो जो कि 12 यूनिट है, तो उसके 12 टुकड़े का रहे हैं, 12 टुकड़ों में से एक जो टुकड़ा होगा, एक जो टुकड़ा होगा मेरे तो एक जो हिस्सा एक एटॉमिक मास यूनिट आएगा। अब दूसरे एटम को हमने उसकी मदद से देखना है। अब आ रही है बोलेंगे। अच्छा, आई थिंक अब मेरे बच्चों को आवाज क्लियर आएगी। थोड़ा सा पहले फोन मसला कर रहा था बच्चों। बात ये है कि देखें कि कार्बन 12 है, कार्बन 12 कार्बन की एक किस्म है, कार्बन का एक आइसोटोप है। उसका आप एक एटम लेंगे, उस एटम का वजन करेंगे तो वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। अब उसके जो वजन होगा 12 एटॉमिक मास यूनिट, उसके 12 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? एक एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या, हम क्या डेफिनेशन करते हैं? 1/12 ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सही है। अच्छा, अब देखिए इस एक यूनिट से यानी कार्बन 12 के एक एटम के वजन के 12 हिस्से से हम किसी भी एटम से नहीं आगे बढ़ते, क्या करें? बैटरी चार्ज नहीं है।